चलिए आज हम लोग जानेंगे टूल्स के बारे में कि फ्रिज में एसी में जो टूल्स प्रयोग होते हैं वो कौन कौन से टूल्स हैं। एक तरफ से शुरू करते हैं और सभी टूल्सों के बारे में जीरो लेवल से समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर हमने रख लिया कापर की पाइप। ये जो पाइप है ये 1/4 साइज की पाइप है, यानी फ्रिज में प्रयोग होने वाली पाइप है और एसी में भी प्रयोग होती है ये वाली पाइप 1/4 की। और ये कापर की पाइप है 1/4 की पाइप, इसको हम वेल्डिंग कर सकते हैं। ये पाइप अलग से हमारे बैग में भी होना चाहिए। कारण यह है कि कहीं पर पाइप अगर छोटी पड़ रही है वहां पर बढ़ा करके बड़ी करना है तो वहां पर भी हमें इस पाइप की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए ये पाइप हम 1 फीट 2 फीट अपने बैग में भी रखेंगे। जब भी एसी फ्रिज का काम करेंगे जाएंगे तो पाइप को लेकर के जाएंगे। ये सबसे पहले हमने पाइप से शुरुआत किया। उसके बाद देखिए ये पाइप को काटने वाला कटर हमारे पास है। यहां पर हमारे पास देख सकते हैं ये ढेर सारे ट्यूब कटर है। ये एक ही साइज के सारे ट्यूब कटर है। इसको बोलते हैं ट्यूब कटर, यानी कापर की पाइप को काटने वाला कटर ट्यूब कटर कहलाता है। जैसे कि ये कापर की पाइप है, अगर इसको काटना है इस कटर से तो क्या करेंगे, ये देखिए हम ढीला करते हैं तो पीछे की साइड जाता है, टाइट करते हैं तो आगे की साइड जाता है। जब हम इसको ढीला कर रहे हैं पीछे की तरफ जा रहा है। अगर इस पाइप को काटना है तो पाइप को इसमें इस जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं वी ब्लॉक, अंग्रेजी का वी अक्षर के जैसा होता है इसलिए इसे वी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। यहां पर देखिए रखेंगे और इस तरह से इसको हम काटेंगे। इस तरह से दबाया एक जगह, अब देखिए ये ट्यूब कटर इसमें से गिर नहीं रहा है। लेकिन कभी भी इसके हैंडल को ज्यादा टाइट नहीं कर देना है, नहीं तो ये पाइप पिचक जाती है, फिर ये गोल नहीं रह जाती और गोल फिर बना भी नहीं पाएंगे। इसको क्या करना है, इस तरह से थोड़ा सा टाइट करना और इसके ऊपर घुमाना है, फिर से टाइट करना है और फिर थोड़ा सा घुमा लेना है, फिर से थोड़ा सा टाइट करना और फिर घुमा लेना है। कभी भी इसको ज्यादा टाइट नहीं करना, एक ही बार में इसको 2-3 बार में करके टाइट करना है। और इसका जो मुंह देखेंगे यहां पर देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कितना बढ़िया तरीके से बिल्कुल गोल और मुलायम तरीके से ये बिल्कुल कट गया। तो इस तरह से किसी भी पाइप को हम काट सकते हैं। अच्छा, पाइप को हमने काट करके जब अलग कर दिया, अब अगर इस पाइप को जोड़ने की जरूरत पड़े तो क्या यह एक पाइप दूसरे पाइप के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसको क्या करना होगा, यह एक के व्यास को बढ़ाना होगा। बढ़ाएंगे कैसे, स्वैंगिंग टूल से। ये देखिए हमारे पास ये सब है ना, ये स्वैंगिंग टूल है, इस प्रकार का ये स्वैंगिंग टूल है। इसके जरिए कापर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाया जाता है। जैसे इसको क्या करेंगे, पाइप के अंदर यहां पर रखेंगे और हैमर के द्वारा हथौड़ी के द्वारा इसको हम ठोक करके इसको व्यास को बढ़ाएंगे इस तरह से। लेकिन इसको बढ़ाने से पहले हम ये समझते हैं कि इसको देखिए हाथ में पकड़ करके अगर ठोकेंगे तो ये पाइप नीचे सरकती हुई जाएगी, तो हाथ से तो उतना तेज हम पकड़ नहीं सकते। उसके लिए हमें एक टूल्स का पहले समझ लेना होगा। ये हमारे पास है फ्लेयरिंग टूल। जो कापर की पाइप में फ्लेयर बनाया जाता है ये हमारा है फ्लेयरिंग टूल। दो भागों से मिलकर बनता है, जिसमें एक भाग का नाम होता है ब्लॉक और दूसरे भाग का नाम होता है योक। ब्लॉक में पाइप को लॉक किया जाता है। लॉक करने के लिए अलग अलग साइज के सांचे बने होते हैं। इस पर साइज लिखा हुआ है ना, जैसे 5/8 है, 3/8 है, 3/16, 1/4, 5/16, ये साइज इसमें है, अलग अलग साइज के लिखा होता है। ये जैसे कि ये वाली पाइप हमारी है 1/4 साइज की, मतलब 1/4 की। अगर इसके जरिए हम इसमें फ्लेयर बनाने की समझे तो देखिए कैसे करेंगे इसको, फ्लेयर 1/4 जिसमें है उसमें लगाएंगे और पाइप बाहर कितना निकालना है फ्लेयर बनाते समय वो समझ लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा, देखिए इतना, जितने को हमें कॉलर बनाना होता है जितने को हमें फ्लेयर बनाना होता है। वैसे ये फ्लेयर बनाने का काम अब फ्रिज में कम होता है, ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट एसी में जब दो पाइपें आपस में जोड़ी जाती हैं तो वहां पर किया जाता है। इस तरह से इसको हम टाइट कर लेते हैं और देखिए टाइट करने के बाद अब इसके ऊपर योक लगा के फ्लेयर, इसके ऊपर योक लगा के फ्लेयर बनाना है। अब ये जो योक है ना, इसको अगर ध्यान देंगे तो ये ऐसी बनावट में है, इसका एक सिरा ये दूसरा जो कट है दूसरी तरफ है, लेकिन दूसरा वाला दूसरी तरफ कट है। दोनों का कट किसी एक तरफ नहीं है, है ना, दोनों सिरा दूसरे दूसरे तरफ कट है। इससे क्या होता है, अगर हम इसको सीधा इसमें लगाएं तो ये इसमें रुकेगा नहीं, लेकिन लगाने का तरीका क्या, ऐसे लगाएंगे और थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे तो ये वाला कट इधर दबाएगा, ये वाला कट इधर दबाएगा, जिसकी वजह से ये पाइप इसमें आसानी से, ये जो योक है पाइप में आसानी से फिट हो जाएगा। इसको देखिए, इसको लट्टू को देखते रहेंगे कि ये बिल्कुल पाइप के बीचों बीच जाना चाहिए। ऐसे ही गया और बस यहां पर हमने इसको छोड़ दिया। अब अगर इसको छोड़ भी दे तो ये गिरेगा नहीं इसमें से, है ना, क्योंकि पाइप के सहारे टाइट है। हमें पकड़ने का तरीका क्या, इसको उंगली के बीच में डालना है और इस उंगली से इधर वाली से इसको इधर दबाना है और ये अंगूठे वाले से इसको उधर दबाए रखना है, ताकि हम ढीला भी करें तो ये इसमें से गिरे ना, उसी पे रुका रहे, नहीं तो अगर ढीला करने से गिर जाता। इसको क्या करना है, ऐसे फिर टाइट करेंगे और फिर से ढीला कर लेंगे, फिर से टाइट करेंगे, फिर से ढीला कर लेंगे, एक ही बार में पूरा टाइट नहीं करना है, फिर से टाइट करेंगे, फिर ढीला करेंगे और इस तरह से फिर से टाइट करेंगे, ढीला कर लेंगे। अब ये नहीं होगा इससे ज्यादा टाइट तो इसको खोल करके बाहर निकाल लेंगे। अब बाहर निकालने के बाद देखिए इसका जो योक है ना, यहां पर इसका जो मुंह है वो फैल जाता है। ये बहुत अच्छा तो अभी नहीं फैला हुआ है, इसको हम दोबारा फिर से फैला देंगे, लेकिन समझिए कि इसी तरह से इसको हम फैला लेते हैं इसके आगे के व्यास को। अब लगाते हैं इसके ऊपर फ्लेयर नट। यहां पे हमारा एक नट था, ये देखिए ये जो नट होता है ना, इसी को हम फ्लेयर नट बोलते हैं। ये फ्लेयर क्यों बनाते हैं, इसी नट को लगाने के लिए। इधर से हम डालेंगे तो ये नट आसानी से चला जाएगा, लेकिन अब यहां से ये बाहर नहीं निकलेगा ना, यही लगाने के लिए तो हमने ये बनाया हुआ है। तो ये होता है हमारा फ्लेयर टूल, यानी फ्लेयर बनाने के लिए। हमने बात कर रहे थे कि
कापर की पाइप को अगर एक पाइप को दूसरे में जोड़ना है तो कैसे जोड़े, तो जैसे देखिए एक पाइप है इसके व्यास को हमें बढ़ाना है तो इसको क्या करेंगे, 1/4 का पाइप है इसको 1/4 वाली साइज में लगाएंगे। अब की बार जितना उस बार थोड़ा सा कम निकाले थे, अब की बार थोड़ा सा ज्यादा निकालेंगे, मतलब लेकिन बहुत ज्यादा नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा ज्यादा उससे निकालेंगे। इस तरह से देखिए 1/4 में पाइप को लगाना है। अगर ये गलत में लगेगा, जैसे अगर ज्यादा बड़े में लग जाएगा तो फिर पाइप स्लिप होकर पीछे जाने लगेगा, छोटे में लग जाएगा तो फिर बंद नहीं होगा, या तो अगर टाइट कर देंगे जबरदस्ती तो पाइप पिचक जाएगी। इस तरह से पाइप को लगा करके टाइट कर देना है। और ये अपना क्या है, स्वैंगिंग टूल, इसको लगा करके पाइप के भीतर में और इसको हथौड़ी के द्वारा, हैमर के द्वारा ऐसे ठोकना है। ऐसे ठोकेंगे फिर रुक जाएंगे, एक ही बार में पूरा नहीं ठोकना है, नहीं तो ये टेढ़ा भी हो जाएगा या पाइप पिचक भी जाएगी। देखिए इस तरह से लगाना है और निकाल लेना है, फिर से इसको ठोकना है इस तरह से हैमर के द्वारा और फिर निकाल लेना। अभी देखिए इसका जो व्यास बना ये सिर्फ पहले वाले पॉइंट के नोब के बराबर बना, इसको दूसरे के बराबर अगर ये बन जाएगा तो समझिए हो गया। इसको क्या करना है, फिर से हैमर के द्वारा ठोकना है और फिर यहां से निकाल लेना है। इस तरह से इसको ठोकेंगे और निकालेंगे। अगर ये टाइट हो रहा है, एक ही बार में अगर पूरा ठोक देंगे ये टाइट भी हो जाएगा। देखिए अब ये हमारा फ्लेयर बन चुका है, यानी कि अब ये हमारा स्वैंगिंग टूल से इसका भीतरी व्यास बढ़ चुका है। अब अगर इसकी पाइप में हम ये वाली पाइप जोड़ना चाहें तो बड़े ही आसान तरीके से, बिल्कुल देखिए बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से ये इसके अंदर चला गया और इसमें जाकर के रुक गया है। अब हम इसको वेल्डिंग करके जोड़ सकते हैं, यानी दो पाइपों को आपस में अगर जोड़ना हो, एक ही साइज की पाइप हो, तो स्वैंगिंग टूल के जरिए उसके भीतरी व्यास को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हम कापर की पाइप के व्यास को बढ़ा सकते हैं। हमारा फ्लेयरिंग टूल हो गया, स्वैंगिंग टूल हो गया और ट्यूब कटर हो गया। ट्यूब कटर का मतलब कापर की पाइप को काटने वाला, ठीक है। और यहां पर देखिए एक टूल से, इस टूल का नाम होता है कैपिलरी गेज, यहां पर लिखा भी है कैपिलरी गेज, इसके ऊपर लिखा भी है। इसमें क्या है ये देख सकते हैं, ढेर सारी सुई जैसा दिख रहा है ना, मतलब जैसे समझिए मोबाइल का सिम निकालने के लिए भी ये काम में आ सकता है। इस पे क्या है, ये अलग अलग साइज है, इस पे नंबर लिखा है ना, जैसे 031 लिखा है, 036 लिखा है, 040 लिखा है, 044 लिखा है, मतलब ये अलग अलग साइज की कैपिलरी ट्यूब जो होती है, जो एसी में प्रयोग होती है, फ्रिज में प्रयोग होती है, उसके व्यास को नापने के काम में आता है। जैसे अगर ये मान लीजिए कैपिलरी ट्यूब होती तो इसका व्यास कैसे नापा जाता है, जो कैपिलरी ट्यूब का पिन जिसमें बराबर सही तरीके से चली जाए, समझिए उस साइज की कैपिलरी ट्यूब है, तो ये कैपिलरी गेज है, जो कैपिलरी ट्यूब का व्यास यानी कैपिलरी ट्यूब की साइज नापने के काम में आता है। इसको तो जानते हैं, ये हैमर है। और ये हमारे पास है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर हमारे पास कई साइज में होने चाहिए, अगर ये छोटा में है तो हम इसको बोलते हैं गुट्टू पेचकस, और बड़ा साइज का जो हमारा होता है जैसे 6200 6150 ये नंबर के हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि जहां बड़े की जरूरत होती है वहां छोटा काम में नहीं आता, और जहां छोटे की जरूरत है वहां बड़ा भी काम में नहीं आता। ये हमारे पास है वायर कटर, इंसुलेटर कटर या वायर स्ट्रिपर के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसी भी तार के ऊपर सुरक्षित तरीके से इंसुलेटर को हटाने के लिए इस इंसुलेटर कटर का हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये हमारा कटर है, कुछ भी काटना हो, अगर काट करके अलग करना हो तो सिर्फ काटने का काम करेगा, छीलने का या इंसुलेटर हटाने का नहीं, सीधा काट करके अलग कर देने का काम करेगा। इसके बाद हमारा ये है कॉम्बिनेशन प्लायर, कई कामों का कंबाइंड रूप होता है इसलिए इसे कॉम्बिनेशन प्लायर के नाम से जाना जाता है। इसका अगला जो पॉइंट है यहां पर देख सकते हैं, दबाने वाला है, बीच में यहां से पकड़ने वाला है, सबसे अंदर काटने वाला है। तो ये जो पॉइंट है ये कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि कई कामों का कंबाइंड रूप होता है। देखिए एक स्क्रू ड्राइवर और एक कॉम्बिनेशन प्लायर और एक हमारे पास अगर मल्टीमीटर हो तो मिस्त्री के पास ये तीन चीजें बहुत बेसिक चीज है और बहुत जरूरी चीज है। किसी के घर अगर कुछ भी नहीं पता क्या हुआ है ना, जाना है बनाने, तो सिर्फ ये तीन चीजें लेकर के जाइए, बहुत कुछ चेक करके आ सकते हैं कि क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बहुत सही भी हो सकता है बहुत सारी चीजें। तो ये तीनों चीजें हमारे पास जरूरी है, स्क्रू ड्राइवर हो गया और ये कॉम्बिनेशन प्लायर। इसके अलावा ये देख सकते हैं हमारे पास एडजस्टेबल रिंच है, सलाई रिंच जिसको बोलते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ये 10 नंबर का है आपके पास। और इसके अलावा यहां पर देख सकते हैं हमारे पास है ये टी रिंच और ये टी गोटी होता है। ये टी गोटी 8 10 12 13 का यूज वैसे हमारे सिस्टम में ज्यादा होता है, एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन में 8 10 12 13 मतलब ये नंबर के हिसाब से आता है। तो आप टी गोटी, ये अलग-अलग का भी आता है, सेट का भी आता है, मतलब इस हैंडल के साथ रहेगा, जैसे इसमें निकल जा रहा है तो उसमें निकलेगा नहीं, ऐसा भी ये आता है, तो किसी भी तरीके का आप रख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास है नोज प्लायर। नोज प्लायर का मतलब ये नोकीला वाला होता है, कोई चीज कहीं से पकड़ के खींचना हो तो इसके जरिए हम खींच लेते हैं। यहां पर एक हमारे पास है एमएफडी मीटर, ये सिर्फ एमएफडी मीटर है, इसको अगर हम देखिए ऑन करते हैं तो यहां पर ऐसे दिखा रहा है कुछ नहीं, और यहां पर लिखा है 2 UF, मतलब 2 MFD का कैपेसिटर चेक करने के लिए पॉइंट पे है। अगर हम इसको घुमा करके 20 UF पे लिख देते हैं तो यहां पे 20 MFD तक का कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, अगर 200 UF पे रख देते हैं तो 200 MFD तक का कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, और 2000 MFD तक भी कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमने कैपेसिटर ले रखा है, देखिए 2 ठे ये कैपेसिटर है और इस पे लिखा है 45 UF,
ये 45 MFD का कैपेसिटर इस पे लिखा हुआ है, अगर ये मिट जाता तो कैसे पता चलता है, और ये 45 लिखा है तो क्या 45 की पावर इसके अंदर है, कंफर्म करना चाहते हैं तो हम इसको लगा करके इसके दोनों पिनों पर लगाएंगे और यहां पर देखेंगे, देखिए क्या लिखा है इसमें आ रहा है 45.9 लगभग 46 के करीब, मतलब जितना लिखा है उससे अच्छा पावर दे रहा है, क्योंकि इसमें आगे लिखा होता है प्लस माइनस 5%, मतलब 5% इसका ज्यादा भी पावर हो सकती है कम भी हो सकती है। तो यहां पर देखिए 45.9 UUF का कैपेसिटर यानी बढ़िया तरीके से बता रहा है। और इसके अलावा ये कैपेसिटर हमारे पास स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये कितने एमएफडी का पावर दे रहा है। यहां पर देखिए ये दो पिने हैं और एक को एक पर दूसरे को दूसरे पर रख देते हैं यहां पर, और देखिए कैपेसिटर की पावर कितना है, 104 MFD का है, 104 MFD का है, और जबकि इस कैपेसिटर के ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा है देखिए 80 से 100 MFD, और जबकि दे रहा है 104 MFD का, मतलब ये भी कैपेसिटर अच्छा है और सही तरीके से काम कर रहा है। इस कैपेसिटर के अलावा यहां पर देख सकते हैं ये हमारा गेज है, इस गेज को हम बोलते हैं, इस गेज को हम बोलते हैं मैनिफोल्ड गेज, प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज का मिश्रित रूप है। अलग अलग बात करें तो यहां पर हमारे पास यह है कंपाउंड गेज जो ब्लू कलर में दिखता है, अगर ये रेड कलर में होता तो प्रेशर गेज होता, ब्लू कलर में है कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज में अंतर क्या होता है, तो कंपाउंड गेज में सुई माइनस में भी जा सकती है, प्रेशर गेज में सुई माइनस में नहीं जाती है। कंपाउंड गेज से हम प्रेशर वैक्यूम दोनों कर सकते हैं, कंपाउंड गेज से प्रेशर वैक्यूम दोनों कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर गेज से केवल प्रेशर चढ़ा सकते हैं, वैक्यूम नहीं कर सकते। और ये वाला गेज हमारा मैनिफोल्ड गेज है, इससे हम प्रेशर वैक्यूम दोनों काम कर सकते हैं। और यहां देखिए प्रेशर गेज है, कंपाउंड गेज है, दोनों लगा होता है, इसमें हैंडल भी लगा होता है, ये जैसा रेड कलर का हैंडल इस साइड में दिया है ना, उसी तरह का इधर ब्लू कलर का हैंडल होता है, इसमें से प्लास्टिक का ढक्कन इसमें से समझिए हट गया है, टूट गया है, इसलिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। यहां पर ये जो तीनों पिने, बीच का पॉइंट इनपुट होता है, साइड साइड का आउट होता है, जिस गेज का हमें प्रयोग करना होता है उस गेज का हैंडल खुला रहता है, बाकी दूसरे गेज का हैंडल बंद रहता है। इस प्रकार से ये हो गया हमारा, ये जो है मैनिफोल्ड गेज यानी प्रेशर गेज कंपाउंड गेज का मिश्रित रूप होता है। ये हैंडल जो है ना, ये टांगने के लिए, मतलब कहीं भी लटका करके काम कर रहे हैं तो किसी को पकड़वाना नहीं पड़ेगा, कहीं भी ऐसे लटका दीजिए और ये उसी पे रहेगा और सुई देखते रहिए, काम करते रहिए। इसके अलावा यहां पर ये हमारा है डिजिटल थर्मोमीटर, ये जो डिजिटल थर्मोमीटर है टेम्परेचर बताता है कि जो हमारी एसी है या फ्रिज है जो ठंडा कर रही है वो कितना ठंडा कर रही है। इसको देखिए यहां से हम ऑन कर ले रहे हैं तो अभी ये ऑन नहीं हो रहा है, इसकी बैटरी डाउन हो गई होगी इसलिए ऑन नहीं हो रहा है। तो देखिए इस तरह से हम इसको ऑन करते हैं, ये टेम्परेचर बताता है कि कितना ठंडा हो रही है एसी हमारी जो है, वो ठंडा कर भी रही है कि नहीं कर रही है, या रूम का टेम्परेचर इस समय जो है वो कितना है वो इसमें बताता है। इसके अलावा यहां पर देखिए ये हमारे पास है वेल्डिंग गन, यहां पर ये भी वेल्डिंग गन है, ये भी वेल्डिंग गन है देखिए, और ये वेल्डिंग गन है। वेल्डिंग गन के आगे ये जो नोब है ये अलग आता है, ये गन अलग है, और ये नीचे का कैन अलग है। ये तीन चीजें हैं, ये वेल्डिंग गन टॉर्च पत्ती भी इसको हम बोलते हैं, वेल्डिंग टॉर्च भी इसको बोलते हैं, वेल्डिंग गन भी बोलते हैं। इसके आगे लगने वाली ये पत्ती को वेल्डिंग गन यानी टॉर्च पत्ती भी बोलते हैं। इस तरह से ये यहां पे लगा होता है, अगर इसको जलाना होता है तो ऐसे हम यहां से ढीला करते हैं। ये रोटरी स्विच होती है, रेगुलेटर स्विच होती है, जिससे हम गैस को कंट्रोल करते हैं। अगर इसको जलाना हो तो देखिए यहां से माचिस की तिल्ली जलाएंगे और इस तरह से गन को कंट्रोल यहां से करना होता है। यहां से हम अगर थोड़ा सा ढीला करेंगे और माचिस को ऑन करेंगे, देखिए इस प्रकार से ये जलेगा, और ये यहां से हम तेज कर सकते हैं, इस प्रकार से ये जलता है। इसको अगर हमें कोई पाइप वेल्डिंग करना हो तो हम इससे वेल्डिंग कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये वाली पाइप है, ये कापर की पाइप है, देखिए अभी हमने इसके ब्यास को बढ़ाया था स्वाइंगिंग टूल के जरिए। अगर इस पाइप को जोड़ना पड़ जाए तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहां पर हम इसको रख देते हैं और यहीं पे वेल्डिंग करके इसको दिखा देते हैं। यहां पर इसके गैस को पहले हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, गैस को कम करने से क्या होगा, ये नीचे अभी प्लाई है ना तो ये जल ना जाए, इसके लिए हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं और यहां पर फिर से गैस को थोड़ा सा तेज करते हैं। ये माचिस बुझ गई और इसको हम फिर से जला लेते हैं। ये जो बुझने वाला काम है ये बार बार होता है, तो अगर लाइटर वाला भी इस तरह से हमारा वेल्डिंग गन आता है जिसमें माचिस काम ही नहीं करती। और ये हमारे पास है ब्रिजिंग राड, ये जो ब्रिजिंग राड होता है कापर ऑक्साइड का बना होता है, इसी के जरिए हम वेल्डिंग करते हैं। कापर की पाइप को देखिए गर्म कर रहे हैं और गर्म होने के बाद ब्रिजिंग राड को भी गर्म करते हैं, और ब्रिजिंग राड को भी गर्म करने के बाद इसी पे लगाएंगे, बिल्कुल ये सिर्फ ऊपर लगाएंगे और ये नीचे पिघल करके अपने आप जाएगा और ये ब्रिजिंग हो चुका है यानी पाइप जुड़ चुकी है। जब तक ये गर्म रहेगा, लाल रहेगा, तब तक हिलाएंगे नहीं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर तुरंत हिला देंगे तो ये फिर से छोड़ देगा। इस तरह से ब्रिजिंग राड बिल्कुल गर्म होते ही पानी के रूप में धारण कर लेता है, मतलब बहुत अच्छी प्रकार से वेल्डिंग हो जाता है। ये कापर प्लस कापर की पाइप थी इसलिए इतना आसानी से हो गई। अगर एक पाइप कापर और लोहे की होती है तो वहां पर हमें एक पाउडर लगाने की जरूरत पड़ती है, जिस पाउडर का नाम होता है फ्लक्स पाउडर, इस तरह का ये पाउडर होता है। तो
ये फ्लक्स पाउडर यहां नहीं लगाने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि यह पाइप दोनों कापर की थी। इस प्रकार से देखिए ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से वेल्डिंग हो चुका है। नजदीक से देखिए ये वेल्डिंग कर, ये जो देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से वेल्डिंग हो चुका है। यहां से बिल्कुल भी गैस अब लीकेज नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से किसी भी कापर की पाइप को मोड़ने के लिए हमें वेल्डिंग गन, ब्यूटेन गैस और टॉर्च, ये टॉर्च पत्ती यानी इस नोब की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, और ब्रिजिंग रॉड की। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा है टी रिंच। ये जो टी रिंच है बहुत सारे नटों को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, अभी हमने इसके बारे में बताया भी। और इसके अलावा ये नोच प्लायर हो गया, और हमारा ये हो गया मैनिफोल्ड गेज, और ये हमारा है डिजिटल क्लैंप मीटर। स्मॉल साइज में है, ये बड़े साइज में भी होता है, छोटे साइज में भी होता है, बल्कि छोटा साइज जो होता है बड़े वाले से महंगा भी होता है। मतलब ये छोटा साइज बहुत अच्छा होता है, कारण ये कि बैग में जगह कम घेरता है और कहीं गिर जाए तो जल्दी फूटता भी नहीं, थोड़ा मजबूत भी होता है। तो इसके जरिए हम किसी भी एसी फ्रिज के सिस्टम का एम्पियर चेक कर सकते हैं कि कितना एम्पियर ले रही है, वहां पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, पूरी वोल्ट आ भी रही है कि नहीं आ रही है, और वहां पर डीसी एम्पियर, एसी एम्पियर, कंटिन्यूटी, ये सारी चीजें इससे चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास डिजिटल क्लैंप मीटर हो गया। इसके अलावा ये ब्यूटेन गैस के कैन हमारे हैं, और इसके अलावा ये वाली गैस देखिए फ्लोरोन 22 लिखा हुआ है, ये R22 गैस है, ये एसी में प्रयोग होने वाली गैस है। यहां पर हमने बात किया था कि पिन और प्लेन ये दो तरीके के आते हैं, तो देखिए ये प्लेन वाला है, इसमें अगर जब गेज लगेगा तो जाकर के सुराख बनाएगा, सुराख बनाएगा तब गैस निकलेगी। दूसरी जो होती है वो पिन वाली होती है, जैसे देखिए ये पिन वाली, इसके ऊपर ये वाल्व लगा है ना, अगर वाल्व को खोल लिया जाए तो इसकी गैस उड़ेगी नहीं, इसी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर पिन लगी हुई है, ये पिन दबती है तब इसमें की गैस निकलती है। लेकिन इसमें अगर वाल्व लगा दिया जाए तो जब तक ये खत्म नहीं गैस होगी तब तक उस वाल्व को निकाला नहीं जा सकता। इस वाल्व को कैन वाल्व या सिलेंडर वाल्व के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहां पर देखेंगे आगे की तरफ से ही खत्म करें तो यहां पर देखिए ये हमारे पास एक वर्कशॉप कंप्रेसर यानी फ्रिज का ही कंप्रेसर है। जब सक्शन और चार्जिंग में इस तरह का नट लगा दिया जाता है तो उसे वर्कशॉप कंप्रेसर के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा एसी फ्रिज के सिस्टम में प्रेशर चढ़ाना या वैक्यूम करने का दोनों काम किया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर हमारे पास है सर्विस पंप, यानी एसी फ्रिज की जब हम सर्विस करते हैं, जब उसको धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं, तो इस तरह का पंप की जरूरत पड़ती है। ये क्या होता है, बड़ी तेज गति से पानी मारता है। यहां पे देख सकते हैं जैसे ये गन जैसा दिख रहा है ना, ये आगे लग जाएगा, इसमें से पानी मारेगा बहुत तेज गति से, और ये आगे से ये घुमाने वाला होता है। इसके जरिए पानी को हम पतला या मोटा कर सकते हैं कि पानी प्रेशर से देना चाहिए या नॉर्मल मोटा करके देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा यहां पर हमारा एक मोटर है जिसको हम वैक्यूम पंप के नाम से जानते हैं, वैक्यूम पंप। ये हमारा हो गया वैक्यूम पंप, इसको वहां पे पावर में लगाइए। देखिए ये वैक्यूम पंप है, ये क्या कार्य करता है, यहां से हवा को खींचता है, ये जो पॉइंट है ना, यहां से हवा को खींचता है। देखिए वहां स्विच ऑन करिए, देखिए यहां से ये हवा को बड़ी तेज गति से खींचता है, यहां से हवा को खींचता है, यानी कि एसी फ्रिज के सिस्टम के अंदर की नमी को यानी हवा को बिल्कुल बढ़िया तरीके से खींच करके साफ कर देता है। इसमें भी एक बटन होती है यहां से ऑन ऑफ करने के लिए, पावर बटन भी इसमें दी गई होती है। इस पावर बटन को बंद करके चालू या बंद किया जा सकता है। तो इस बटन को, ये हो गया हमारा वैक्यूम पंप, एसी फ्रिज का वैक्यूम करने के लिए यूज किया जाता है। ये हो गया हमारा लेवल मीटर। लेवल मीटर के जरिए हम एसी फ्रिज जब सेटिंग करते हैं, फिटिंग करते हैं एसी को, तो वहां पर लगाते हैं। टीवी वगैरह फिटिंग करने वालों को भी देखे होंगे, अगर सीधा भी लगा सकते हैं, ऐसे तिरछा करके भी लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। ये लेवल मीटर है जो सीधा पोजीशन को बताता है। इसके अलावा यहां पर देखेंगे एक पॉइंट है एंटी मोस्ट, इस पे लिखा हुआ है एंटी मोस्ट। एंटी मोस्ट या एंटी चोक या एक लिक्विड होता है, जैसे देखने में फेविक्विक का पैकेट होता है ना, उसी के जैसा होता है, लेकिन ये दो दो रुपए का मिलता है। फेविक्विक तो 5 का है, ये 2 का होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, ये लिक्विड थोड़ा सा है। और इससे क्या होता है, एसी फ्रिज में गैस चार्ज करने से पहले उसमें इसको डाल दिया जाता है, इससे क्या होता है चोक होने की संभावना कम हो जाती है। तो इसलिए एंटी मोस्ट या एंटी चोक नाम का ये लिक्विड भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यहां पर हाँ ये एक या दो बस इतना ही यूज करते हैं एक फ्रिज में। और ये हमारा है पिचिंग प्लायर, कापर की पाइप को पिंच करने के लिए पिचिंग प्लायर का यूज किया जाता है। वैसे एनआरबी वाल्व आने की वजह से पिचिंग प्लायर का प्रयोग अब बहुत कम हो गया है। इसके द्वारा किसी भी पाइप को हम पिंच कर सकते हैं। थोड़ा सा हम पिंच करके आपको दिखाते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए ये हमारी कापर की पाइप है, अगर इसको पिंच करना हो इसके जरिए तो पहले तो हम इसको सेट भी कर सकते हैं। ये पीछे का जो नट है ना, यहां से देखिए हम ढीला करेंगे, अगर इसको हम ढीला करें तो इसका मुंह देखिए खुल रहा है, बड़ा हो रहा है। कितना पाइप को दबाना, अब हम अगर पूरा भी दबाएं तो ये इतना ही दबाएगा, तो कितना दबाना, क्या पूरा सटा देना है, अगर सटा देना है तो इसको हम टाइट करेंगे। यहां पर देख सकते हैं इस तरह से इसको हम टाइट करेंगे, अभी भी नहीं सटा, थोड़ा सा और टाइट कर लेते हैं यहां पर, अब जाकर के ये सट गया। इतना सटाने के बाद अब हमें अगर इसको पिंच करना है तो यहां पर देख सकते हैं, अगर हमारी ये कापर की पाइप है और पिंच करना है तो यहां पर ऐसे लगाएंगे और दबा देंगे, इस तरह से खटके पे बैठ जाएगा। खोलना होगा तो ये जो बीच में लोहा है इसको नीचे की साइड में दबाएंगे, खाली इसको नीचे दबाएंगे तो ये खुल जाएगा और ऐसे निकल जाएगा। और पिंच किया हुआ पोजीशन देखेंगे इसका तो यू आकार का बनाता है, बिल्कुल बढ़िया
बढ़िया तरीके से, ताकि वहां से गैस भी लीकेज नहीं कर सकती, इतना बढ़िया तरीके से पिंच करता है, यानी पिंचिंग प्लायर है, कॉपर की पाइप को पिंच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारा है वायर टेप, जो कि पीवीसी टेप के नाम से भी जानते हैं। ये एसी सर्विस जैकेट है। एसी सर्विस जैकेट का मतलब जब हम स्प्लिट एसी की सर्विसिंग करते हैं ना, तो इस जैकेट को पहना के करना पड़ता है। कारण ये है कि अगर नहीं पहनाएंगे तो इस किसी कस्टमर के घर एसी सर्विस करेंगे, उसके घर में पूरा कचरा हो जाएगा, पूरा पानी फैल जाएगा। इस तरह से देखिए, ये एसी सर्विस जैकेट है। और एसी सर्विस जैकेट कैसे यूज किया जाता है वो भी समझ लेते हैं। पहले देखिए, इस चैन को हम बंद कर लेते हैं। इसका ये चैन है, और देखिए सबसे पहले ये वाला पोजीशन देख रहे हैं ना, जैसे समझिए, जैसे जैसे पहनते हैं इसी तरह का। देखिए ये एसी सर्विस जैकेट है, और यहाँ पर देखेंगे एक पाइप ये पूंछ की तरह इसमें लटका हुआ है। ये क्या होता है, ये एसी में पूरा पहना दिया जाता है। जब इसको एसी में पहना देंगे ना, जैसे देखिए इस तरह से जब एसी में पहना देंगे, तो यहाँ वाला चैन को जब हम खोलेंगे ना, इसके अंदर से चैन को, तो चैन को जब खोलेंगे तो एसी के अंदर से एसी के अंदर से दिखाई देगा एवापोरेटर। यहाँ से इसको धुल करके साफ करेंगे, पूरा पानी इसी में गिरेगा, और गिरने के बाद इस पाइप से पूरा गंदा पानी नीचे बाल्टी लगाए रखेंगे, उसमें चला जाएगा और स्टोर हो जाएगा। मतलब अच्छी तरीके से सफाई होगी स्प्लिट एसी के इंडोर का। आउटडोर का करने के लिए कोई जैकेट वगैरह की जरूरत नहीं, केवल इंडोर के टाइम में इस जैकेट की जरूरत पड़ती है। इसको कवर में रख लेते हैं यहां पर। और इसके अलावा देखेंगे, यहां पर हमारे पास है ये पाइप बेंडर। सबसे पहला पाइप बेंडर ये हमारा स्प्रिंग टाइप का है। इस बेंडर के जरिए देखिए, ये साइज में आते हैं, जैसे ये मोटा साइज है ना, मतलब ये हाफ साइज का बेंडर है, तो ये पतला भी आता है कि पतली वाली पाइप को मोड़ने के लिए, ये स्प्रिंग बेंडर है। इसके अलावा दूसरा बेंडर हमारा देखिए, ये 3-in-1 है, 3 का काम अकेले करने वाला। एक बार इसको मोड़ करके भी दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे ये पाइप है, अगर इसको मोड़ना है इस बेंडर के जरिए, ये 1/4 की पाइप है, इसको मोड़ना है तो क्या करेंगे, इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से लगाने के बाद देखिए, यहाँ पे पाइप को हमने लगा करके ऐसे लगाया पाइप बेंडर में, और अब अपनी समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार यहाँ पे दिखाएगा कि आप 90 डिग्री मोड़ चुके हैं, आप 135 डिग्री मोड़ चुके हैं, आप 180 डिग्री मोड़ चुके हैं। इस तरह से मुड़ जाएगा जो पाइप है, वो दिखाएगा कि कितना डिग्री हम मोड़ चुके हैं। तो इस तरह से कापर की पाइप को बेंड किया जाता है, मोड़ा जाता है बढ़िया तरीके से। ये पाइप बेंडर है, और ये जो बेंडर है ये 3-in-1 वाला है, मतलब ये 3 खांचे देख रहे हैं ना। इसके अलावा एक और बेंडर है 180 डिग्री मोड़ता है, ये देखिए हाफ साइज वाला, सिर्फ एक ही पाइप को मोड़ने के लिए है, हैवी वाला बिल्कुल। मतलब इस एसी का जो हमारी सक्शन लाइन वाली पाइप, मोटी वाली पाइप होती है, 1/2 वाली पाइप होती है, उसको मोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए इस तरह से, ये भी यहां पे लिखा हुआ है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरह से इसको पकड़ के ऐसे मोड़ा जा सकता है। तो ये पाइप बेंडर होते हैं हमारे अलग अलग तरीके के। इसके अलावा यहां पर हमारे पास टेफ्लॉन टेप है, जिसके जरिए कहीं पर भी अगर लीकेज होता है, कोई नट लगाते हैं तो वहां पर यूज करते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास होना चाहिए एलन की, एलन की का सेट होना चाहिए इसमें, जो भी एलन की है, देखिए इस तरह का एलन की होता है, ये सेट होना चाहिए आपका। ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के एलन की प्रयोग की जाती है हमारे स्प्लिट एसी के आउटडोर में। एलन की सबसे ज्यादा जरूरी है स्प्लिट एसी में, और वॉशिंग मशीन में दो ही जगह पे इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। इसके बाद बचता है हमारा ड्रिल मशीन। तो ड्रिल मशीन भी हमारे पास होनी चाहिए, कहीं दीवार में सुराख करना या दीवार तोड़ना है। हैमर ड्रिल होना चाहिए, अलग अलग साइज की होनी चाहिए, अलग अलग बीट होना चाहिए। देखिए ये बड़ी साइज का है ना, मतलब दीवार को आर पार करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और ड्रिल का जो आगे का होता है स्प्लिट एसी का, ये बिट ऐसी भी आती है जो सीधा गोल होती है, और सीधा गोल सुराख बनाती है जिसमें से हम पाइप को क्रॉस करवाते हैं, तो हम उसको भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बेसिक टूल्स हमारे रहे, ये सब स्प्लिट एसी, विंडो एसी, फ्रिज में प्रयोग होने वाले। इन टूल्स से रिलेटेड आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।